हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम ए टू जेड में। फ्रेंड्स, एक बार फिर प्रेजेंट हूँ आपके लिए ताजा तरीन करंट अफेयर लेकर। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर को स्टार्ट से एंड तक पूरा एंजॉय करना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर को एंजॉय करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम ए टू जेड पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली टुडे करंट अफेयर की वीडियो या हो वीकली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन और एंजॉय करते हैं टॉप 10 टुडे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में ओपेक ने किस देश के साथ तेल उत्पादन कटौती करने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रूस के साथ, ऑप्शन बी ईरान के साथ, ऑप्शन सी अमेरिका के साथ, ऑप्शन डी इसराइल के साथ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रूस के साथ। हाल ही में ओपेक ने रूस के साथ तेल उत्पादन कटौती करने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस और ओपेक ने तेल उत्पादन में 10% कटौती करने के लिए यह समझौता किया है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन के बीच तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया है। दोस्तों ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जबकि रूस भी एक बहुत ही बड़ा तेल निर्यातक देश है। फ्रेंड्स, रूस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस की मुद्रा रूबल है और रूस की राजधानी मॉस्को है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने नई दिल्ली में YUKTIV पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ICMR ने, ऑप्शन बी NHA ने, ऑप्शन सी MHRD ने, ऑप्शन डी IISC ने। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी MHRD ने। हाल ही में MHRD ने नई दिल्ली में YUKTIV पोर्टल लॉन्च किया है। अब फ्रेंड्स, जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं YUKTIV की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म यंग इंडिया कॉम्बिंग कॉटिव विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। दोस्तों, इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए निरंतर उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के माहौल को सक्षम करना है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य के SRLM ने दीदी हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य के SRLM ने दीदी हेल्पलाइन शुरू की है। यह हेल्पलाइन झारखंड प्रवासी मजदूरों को विभिन्न राज्यों से झारखंड में वापस लाने के लिए राज्य अधिकारियों को डेटा एकत्रित करने में सक्षम करेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं झारखंड के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स झारखंड की राजधानी, CM और गवर्नर कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं प्रेजेंट टाइम में झारखंड के गवर्नर कौन है और प्रेजेंट टाइम में झारखंड के CM कौन है। तो फ्रेंड्स, झारखंड के प्रेजेंट टाइम में CM हेमंत सोरेन है जबकि यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी है और झारखंड की राजधानी रांची है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत में 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन ए 80वीं, ऑप्शन बी 50वीं, ऑप्शन सी 100वीं, ऑप्शन डी 101वीं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 101वीं। दोस्तों, इस दिन जलियांवाला बाग में निर्दयता से मारे गए शहीदों को याद किया जाता है। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार या यूं कहें अमृतसर का कत्लेआम 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को 100,000 से अधिक भारतीय पुरुष और महिलाएं अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति पूर्वक सभा करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों, आखिर 100,000 से अधिक इंडियंस ने यह सभा किस लिए आयोजित की थी जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी लोग शामिल हुए थे। तो दोस्तों, मैटर कुछ यूं था कि दो राष्ट्रीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यह शांति पूर्वक सभा आयोजित की गई थी जिस पर जनरल डायल ने गोलियों की बौछार करवा कर इस घटना को अंजाम दिया था। और दोस्तों, इस नरसंहार के लिए क्रूर जनरल डायल को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित भी किया गया था। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ओडिया नया साल कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 अप्रैल को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल को, ऑप्शन डी 11 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 13 अप्रैल को। हाल ही में 13 अप्रैल को ओडिया नया साल मनाया गया। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को ओडिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और पाना संक्रांति हर साल 13 अप्रैल से शुरू होती है। इस दिन का नाम पना के नाम पर रखा गया है जो एक पेय पदार्थ है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ICMR द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कितने टीकों का विकास किया जा रहा है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 40। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 40 से अधिक टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं, लेकिन कोई भी वैक्सीन अंतिम चरण में नहीं पहुंची है। अब फ्रेंड्स, एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG की मुफ्त डिलीवरी के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1,000 करोड़, ऑप्शन बी 2,000 करोड़, ऑप्शन सी 4,000 करोड़, ऑप्शन डी 5,000 करोड़। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी
5,000 करोड़। हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी की मुफ्त डिलीवरी के लिए 5,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की मुफ्त डिलीवरी की घोषणा की थी, उसी के तहत फ्रेंड्स भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में 1.5% से बढ़कर 2.8% होने की उम्मीद है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी विश्व बैंक। विश्व बैंक ने अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था 1.5% से बढ़कर 2.8% होने की उम्मीद जताई है, जबकि दोस्तों 6 महीने पहले आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.3% था। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि पिछले 40 वर्षों में दक्षिण एशिया में सबसे खराब आर्थिक मंदी आएगी। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री के ऑडियो प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक स्लॉट बुक करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य सरकार ने स्कूल के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री के ऑडियो प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक स्लॉट बुक करने की योजना बनाई है। दोस्तों, इसका मेन फोकस सरकारी स्कूल के छात्रों की मदद करना है ताकि लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने डबल लेड खादी मास्क विकसित किया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, KVIC ने डबल लेड खादी मास्क विकसित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने COVID-19 प्रसार को रोकने के लिए डबल लेड खादी मास्क विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो ये टुडे करंट अफेयर के तहत टॉप 10 क्वेश्चंस दिए हैं पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हाँ, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली टुडे करंट अफेयर की वीडियो हो या हो वीकली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अब दीजिए इजाजत टुडे करंट अफेयर की वीडियो से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।